सो दोस्तों, एक इफेक्टिव टीममेट होना या फिर एक बेटर टीम होना हमारे फर्म के लिए, हमारी कंपनी के लिए या फिर हमारे जॉब के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें समझ में आ गया है। मुंबई क्रू से अलग अलग ओपिनियंस भी जान लिया हमने। अब बारी है हमारे एक्सपर्ट से बात करने की और जानने की कि उनके हिसाब से एक अच्छा टीममेट होना क्या होता है या फिर एक अच्छी टीम के क्या मायने हैं उनके नज़रिए में। तो चलो दोस्तों, हम सीधे एक्सपर्ट से बात करते हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। माय नेम इज रमेश श्रीकोंडा एंड आई वर्क मोर देन 17 इयर्स इन कंपनीज लाइक एक्सेंचर। आई वर्क इन अ स्टार्टअप कंपनी एंड बिफोर स्टार्टअप आई हैव आल्सो वर्क इन सम ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आल्सो। ओके, सो टीम वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, और यू कैन सी अ टीम वर्क इज अ वैल्यू which every organization, every company, whether it's a startup company, whether it's a business, or whether it's a MNC, okay, whether it's profit, non-profit, any organization, teamwork is very important. But हमारे viewers के लिए एक छोटा सा example देता हूँ, okay, football team, okay, आपने देखा ही होगा, एक football team में total 11 players होते हैं, उसी तरह कोई भी project या कोई भी company में employees होते हैं। ओके, तो एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और कोई एक गोलकीपर होता है, एक कैप्टन होता है, कोई सेंटर में एक्सपर्ट होता है, कोई फॉरवर्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई डिफेंडिंग में एक्सपर्ट होता है। तो सबका अपना अपना एक एक रोल होता है। ओके, अगर हर तो ये जो टोटल 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर की स्किल्स अलग होते हैं, क्वालिटीज अलग होते हैं, बट उनका मिशन एक होता है। एग्जैक्टली सर, और जैसे आपने फुटबॉल टीम का एग्जाम्पल देके हमें एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप कि कैसे एक टीम को पूरी तरीके से जो है अपने अपने स्किल से हिसाब से अपने स्किल के हिसाब से जो है वो एक साथ जुड़ के काम करना चाहिए एक मिशन पर। और आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है फुटबॉल टीम, उनका मिशन यही होता है कि गोल करना। बट अगर 11 के 11 प्लेयर ये सोचेंगे कि मुझे गोल करना है, मुझे गोल करना है, तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक प्लेयर गोल कर सकता है। उसी तरह हमारा इसी तरह टीम वर्क में जब उनका एक गोल कॉमन होता है कि मुझे ये रिजल्ट लाना है, मुझे ये आउटकम लाना है, मुझे ये बेनिफिट, ये मेरा एंड रिजल्ट होना चाहिए। ओके, तो सभी 11 टीम को 100% देना होता है उनके उनके रोल के हिसाब से। तो एक सही कप्तान होना बहुत जरूरी होता है और सही कप्तान ही अपने टीम को एक साथ जुड़ा सकता है। ओके, उनको उनकी अच्छी क्वालिटीज, उनकी अच्छी क्वालिटीज, उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनका जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, वो कप्तान बहुत ही अच्छे से समझ सकता है।